हेलो साथियों, नमस्कार। अपने ही चैनल पर आपका स्वागत है। आज का 100 क्वेश्चन आंसर। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? बिहार। जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से गंगा नदी से गुजरा? MP गंगा विलास। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? मुजफ्फरपुर। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोडमैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी? सविता महतो। बिहार पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार किस जिले में शुरू किया गया है? बरौनी बेगूसराय। भारत का पहला गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन बना? ईशान किशन। बिहार भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? मुंगेर। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वैशाली। CAS कन्फर्मेटरी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का प्रथम डेयरी कौन बना? नालंदा। गया के फल्गु नदी पर प्रदेश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है? 411 मीटर। जाति आधारित गणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना? बिहार। पहला कर्नाटक। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? पटना। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना? दरभंगा एयरपोर्ट। काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? बिहार। पहला उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? बिहार। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली। बिहार। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बना? पटना। महात्मा गांधी सेतु। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पटना। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? वीर कुंवर सिंह। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बिहार। बहुदेशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दीदारगंज पटना। मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी? नव्या सिंह कटिहार। बिहार में प्रथम बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? थावे गोपालगंज। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? पटना। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? बिहार बिहटा पटना। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? PMCH पटना। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा सहरसा। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? अरवल। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? 1 जुलाई 2022। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? 1 अप्रैल 2023। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? 23 अप्रैल से 28 मार्च तक। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? 7 जनवरी 2023। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना? पटना हवाई अड्डा। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? गंगा जलापूर्ति योजना। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया? प्रत्येक शनिवार। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? पटना। पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह।